हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी क्लास नाइन्थ की मैथ्स की एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इस जीरो अ रैशनल नंबर? क्या जीरो एक रैशनल नंबर है? यस, जीरो इज अ रैशनल नंबर। हमारा जीरो जो है वो एक रैशनल नंबर होता है। तो ये तो हो गया हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट है, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। कि अब अगर ये रैशनल नंबर है तो क्या हम इसे पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में लिख सकते हैं? लिख सकते हैं पी अपॉन क्यू। इट मीन्स अगर हम इसे जीरो को इस फॉर्मेट में लिखें तो हम कैसे लिख सकते हैं? जीरो अपॉन वन। क्योंकि हमें पता है जो भी हमारा नंबर है अगर उसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो हम वन दे सकते हैं। तो ये हो गया जीरो अपॉन वन, और जीरो वन दोनों के दोनों हमारे इंटीजर्स हैं एंड वन इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, और इसका जो क्यू है यानी डिनोमिनेटर है वो जीरो के इक्वल नहीं है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। अब 3 एंड 4, तो अब इनके बीच में हम रैशनल नंबर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे? क्योंकि 3 के तो नेक्स्ट 4 ही आता है। तो इसके लिए क्या मेथड है? ये है हमारा 3 एंड दिस वन इज़ 4। दोनों के नीचे डिनोमिनेटर में हो गया हमारा 1। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हम दोनों को ही यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ भी और यहाँ भी। सेम हमें नंबर से मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। अब ये नंबर बन गया हमारा 30/10 और ये बन गया 40/10। अब 30/10 से 40/10 के बीच में तो हमारे पास बहुत सारे रैशनल नंबर्स हैं, तो हम लिख सकते हैं। तो हमारे कौन कौन से रैशनल नंबर हो गए? 31/10, 32/10, 33/10, फिर 34/10, 35/10, 36/10। तो ये हमारे 6 रैशनल नंबर हो गए बिटवीन 3 एंड 4। अगर हम इससे ज़्यादा निकालने हैं तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, फिर हमारे पास बहुत सारे रैशनल नंबर्स आ जाएंगे। तो ये मेथड है कि सबसे पहला स्टेप है कि हम डिनोमिनेटर्स जो हैं उन्हें सेम करें, और फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम 10 से मल्टीप्लाई करें, और फिर उसके बीच में हम जितने भी रैशनल नंबर्स हमें कहा गया है हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। यानी इस बार हमें 3/5 एंड 4/5 इनके बीच में 5 रैशनल नंबर्स देखने हैं। अब यहाँ पहले से ही हमारा डिनोमिनेटर सेम है, तो हमारा स्टेप क्या होगा? दोनों को ही न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इन्हें मल्टीप्लाई करना है 10 से, 3/5 में भी और 4/5 में भी। तो यहाँ हमने कर दिया मल्टीप्लाई, ये मिल गया हमें 30/50 और ये हो गया हमारा 40/50। अब इन दोनों के बीच में कितने रैशनल नंबर चाहिए हमें? 5 रैशनल नंबर। तो बस अब लिखना शुरू करते हैं। तो पहला हो गया 31/50, नेक्स्ट 32/50, 33/50, 34/50 और फिफ्थ वन इज 35/50। हो गया ये भी सॉल्व। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। अब हमें यहाँ पर स्टेटमेंट दिए हुए हैं बेटा, और हमें बताना है कि ट्रू है या फॉल्स, और उसके लिए रीज़न भी देना है। सिर्फ ट्रू फॉल्स नहीं बताना, उसे जस्टिफाई भी करना है। तो फर्स्ट पार्ट है, एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। अब नेचुरल नंबर हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं? दे स्टार्ट फ्रॉम 1, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। और होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो अब क्वेश्चन है, एवरी नेचुरल नंबर इज़ ए होल नंबर? यस, क्योंकि हमारे जितने भी नेचुरल नंबर है वो हमारे होल नंबर्स में आ रहे हैं। यानी आंसर क्या हो गया? ट्रू। रीज़न क्या है? द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर एंड ज़ीरो इज़ कॉल्ड होल नंबर्स। कि हमारे सारे नेचुरल नंबर प्लस ज़ीरो, इन्हें मिला के हमारे होल नंबर्स बनते हैं। नेक्स्ट है,
एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। अब इंटीजर्स की जब बात आती है तो हमारे पास इंटीजर्स में क्या होता है, पॉजिटिव नंबर्स तो होते ही हैं, साथ में हमारे पास आ जाते हैं नेगेटिव नंबर्स। लेकिन होल नंबर्स में क्या हमें कोई नेगेटिव नंबर दिख रहा है यहाँ? नहीं। तो इट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, बिकॉज नेगेटिव इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर्स, कि हमारे नेगेटिव इंटीजर्स जो हैं वो होल नंबर नहीं होते। नेक्स्ट है, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। अब हर रैशनल नंबर होल नंबर होता है, तो अब हम सिंपली यहाँ पर लें कि 1/2, 1 और 2 दोनों के दोनों क्या हैं, हमारे इंटीजर्स हैं, तो रैशनल नंबर की तो प्रॉपर्टी फुलफिल हो रही है, 2 is not equal to 0। होल नंबर कौन से होते हैं हमारे? 0, 1, 2, 3, ये हमारे होल नंबर्स हैं। अब 1/2 को अगर हम डिवाइड करें, कम्प्लीटली डिवाइड करें, तो हम मिलेगा 0.5, एंड 0.5 जो है इट इज़ नॉट अ होल नंबर, ये होल नंबर नहीं है। इट मीन्स एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू नहीं है। सो आंसर 3 इज फॉल्स, बिकॉज रैशनल नंबर्स आर ऑफ द फॉर्म p अपॉन q, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, एंड q डज नॉट डिवाइड p कम्प्लीटली, दैट आर नॉट होल नंबर्स। अगर q जो है हमारे न्यूमरेटर को कम्प्लीटली डिवाइड नहीं कर रहा, तो वो होल नंबर नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 4/2 लिखते हैं, तो ये कम्प्लीटली डिवाइड होकर आंसर 2 आ जाएगा, तो ये तो होल नंबर है, लेकिन 1/2 के केस में हमने देखा कि आंसर 0.5 आ रहा है। तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि सारे रैशनल नंबर्स जो हैं हमारे वो होल नंबर्स हों। तो ये है हमारी एक्सरसाइज 1.1 के सॉल्यूशंस। इन्हें ध्यान से देखिए, प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो में एक और एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस के साथ। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एन्जॉय मैथ्स।